हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस के एक बहुत पॉपुलर एंड वायरल प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट लॉन्च होते ही इतना वायरल हो गया है कि आजकल आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और शायद हो सकता है अब तक आपने ये प्रोडक्ट ट्राई भी कर लिया होगा। तो गाइज, मैं जिस वायरल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ वो है लॉरियल पेरिस इनफेलेबल 24 आवर पाउडर फाउंडेशन। मैंने पहले कभी इस टाइप के पाउडर फाउंडेशन ट्राई नहीं करे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, इतना फेमस हो गया है, इसलिए एक बार इसे ट्राई करना तो बनता है। इस पाउडर फाउंडेशन को मैं काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रही हूँ, तो आज के वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करूँगी ही, उसके साथ ही मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि इस प्रोडक्ट ने मेरी स्किन पे कैसा वर्क किया है और ये किस स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट से थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है और इससे जुड़े क्लेम्स क्या हैं। तो गाइज, लॉरियल पेरिस इनफेलेबल 24 आवर पाउडर फाउंडेशन एक फाउंडेशन है पाउडर की फॉर्म में। पाउडर फाउंडेशन को लगाना काफ़ी इजी होता है और ये हमारी स्किन में काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब एंड ब्लेंड हो जाता है। इंडिया में ये प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसमें आपको अभी 6 शेड्स अवेलेबल हैं। सारे शेड्स इंडियन स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हैं। मेरे पास है शेड नंबर 140 गोल्डन बेज। हालांकि ये शेड मेरे स्किन टोन के लिए थोड़ा डार्क है। अगर आपका स्किन टोन भी मेरे जैसा है तो आप शेड नंबर 120 वनीला चूज़ करें। वनीला शेड परफेक्टली सूट करता है जिनकी फेयर स्किन है वार्म अंडरटोन के साथ। इस फाउंडेशन से जुड़े क्लेम्स ये हैं कि ये फाउंडेशन काफ़ी लाइटवेट है स्किन के लिए, स्किन पे अप्लाई करने के बाद हैवी फील नहीं होता है। वन स्वाइप में ही ये आपके स्किन को एक नेचुरल मैट फिनिश प्रोवाइड करता है और 24 आवर्स तक के लिए कवरेज प्रोवाइड करता है। ये वाटरप्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ भी है। एंड लास्ट क्लेम है कि ये पाउडर फाउंडेशन आपकी स्किन को लिक्विड फाउंडेशन के जैसी कवरेज प्रोवाइड करता है। ये क्लेम्स कितने सही हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। पैकेजिंग की बात करें तो ये फाउंडेशन आता है एक ट्रांसपेरेंट स्क्वायर शेप के कॉम्पैक्ट की फॉर्म में। इस कॉम्पैक्ट को ओपन करेंगे तो आपको ऊपर वाले कंपार्टमेंट में पाउडर दिया गया है, इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में आपको एक मिरर एंड एक स्पॉन्ज एप्लीकेटर दिया गया है। ये एक परफेक्ट पैकेजिंग है जिसे आप कहीं भी लेकर इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, और टचअप के लिए आपको इसमें मिरर दिया गया है तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेक्सचर इसका काफ़ी स्मूथ एंड लाइटवेट है, स्किन में इजीली ब्लेंड हो जाता है और स्किन को एक नेचुरल मैट फिनिश प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस पाउडर फाउंडेशन को अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है। ये फाउंडेशन पाउडर की फॉर्म में है इसलिए ये आपके फेस को थोड़ा ड्राई कर सकता है, इसीलिए इसे अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, मॉइस्चराइज कर लें ताकि आपका फाउंडेशन इवनली अप्लाई हो। अब इस स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। एप्लीकेशन से इसने मेरे फेस को मीडियम कवरेज प्रोवाइड की है और मेरे स्किन टोन को इवन कर दिया है। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं तो आप पहले उन्हें कंसील कर लें, उसके बाद इसे अप्लाई करें, क्योंकि ये डार्क स्पॉट्स को कवर नहीं करता है। अप्लाई करने के बाद स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा सा पाउडरी लगेगा अपने फेस पे, लेकिन कुछ मिनट्स बाद ये कम्प्लीटली फेस पे सेट हो जाता है। ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, बट हाँ, ये उतना ट्रांसफ़र नहीं होता है जितना आपका लिक्विड फाउंडेशन होते हैं। ये फाउंडेशन वाटर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ भी है, इसलिए आप इसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्लेम है कि यह आपकी स्किन पे 24 आवर्स तक स्टे करता है।
एंड फ्रेंकली स्पीकिंग तो 24 आवर्स तक कोई भी अपने फेस पे फाउंडेशन चेक नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ मैंने इसे अपने फेस पे 5-6 आवर्स तक रखा है। 5-6 आवर्स फेस पे रखने के बाद इसने मेरी स्किन को ऑयली या केकी नहीं किया था, तो यस ये आपकी स्किन पे लंबे टाइम तक स्टे कर सकता है। मुझे इस फाउंडेशन की फिनिश काफ़ी पसंद आई है क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी पाउडरी या केकी नहीं करता है, एक नेचुरल मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, इसलिए ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ड्राई स्किन टाइप के लोग भी इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। तो अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ये फाउंडेशन आपको एक मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है और ये आपके डेली वेयर मेकअप के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप किसी पार्टी या वेडिंग के पर्पज़ से कवरेज चाहते हैं तो वो आपको इस फाउंडेशन से नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एक अच्छा लिक्विड फाउंडेशन चूज़ करना चाहिए। इस पाउडर फाउंडेशन के क्लेम्स की बात करें तो इसके ऑलमोस्ट सभी क्लेम्स सही हैं। ये एकदम लाइट वेट है, ये आपकी स्किन को एक नेचुरल मैट फिनिश प्रोवाइड करता है, मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है। ये वाटरप्रूफ एंड स्वेट प्रूफ भी है, स्किन को डल या फिर ऑयली नहीं करता है, केकी एंड पाउडरी नहीं करता है। तो यस आप इस फाउंडेशन को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे अप्लाई करना काफ़ी ईजी है। तो चलिए अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।